पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं सद्भावना पार्टी न्यूज़। कलेक्टर मनीष सिंह के नाम से तेजी से फैल रहे मैसेज की लॉकडाउन 30 अप्रैल तक रहेगा का खंडन मनीष सिंह द्वारा किया गया। नहीं, मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, बिल्कुल गलत है ये। मैंने साइबर क्राइम को बोला है, अभी मैं बोला तो है पर मैं अभी गिरफ्तारी नहीं कराऊंगा ऐसे जो भी सज्जन ने जिन्होंने डाला है। पर मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, आज मैं एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट में आदेश भी जारी करूंगा कि सभी जितने भी मोबाइल ग्रुप्स हैं एडमिन्स अपने कंट्रोल में रखें, कोई भी पोस्ट ना होने दें उसमें। अब अगर किसी ने गलती की है उसमें मैं गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दूंगा। मैं किसी ने भी भ्रांति फैलाई इस तरह की, जो कोविड को मैनेजमेंट में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें विपरीत टाइप की कुछ और भी किसी ने और भी डॉक्टर हैं कोई मौजूद कल वालों बड़ा कोई हैं, उन्होंने बोला कि सब घरों से निकलो बाहर, तो इस तरह की अपील की उन्होंने फेसबुक पे। ऐसा जो भी इस कोविड की फाइट में इस तरह की निगेटिव चीज़ें जो भी करेंगे हम उठा के पटक के उनको जेल में भेज देंगे उनको। तो अभी मैं आपके माध्यम से सचेत कर रहा हूँ, आप लोग इसको बदलाओ आम जनता को, इसमें कोई भी निगेटिव तत्व घर में बैठे हैं खुरापात सूझी उनको, मैं क्लियर पुलिस को इंस्ट्रक्शन है और अगली बार मैं इंश्योर करूँगा कि पुलिस जाकर उठा के लाए उनको। अब तक के लिए इतना ही, जल्द लौटेंगे अन्य बड़ी खबरों के साथ।